ओ है व्हाट्सअप गाइस, कुछ आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई सेल्फी मूवी देखी थी मैंने कल, रिव्यू कर रहा हूँ मैं आज। उसका रीजन यार थोड़ा सा बिजी हो चुका हूँ मैं, बट उसको थोड़ा साइड पे रखो, उसको एक या डेढ़ मिनट के अंदर मैं रिव्यू खत्म करूंगा। उसके बाद मैं पॉइंट लूंगा जिसके ऊपर मेरे को बात करना काफी जरूरी है, खास करके अक्षय कुमार के फैंस एंड अक्षय कुमार सर प्लीज मेरी ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं सेल्फी की। देखो सेल्फी की कहानी कुछ इस तरीके से कि हमको पता चलता है कि अक्षय कुमार की रियल लाइफ किस तरीके से, ठीक है। अक्षय कुमार रियल लाइफ में किस तरीके से दो रीमेक्स करते हैं, दो OTT के लिए मूवी बनाते हैं, दो थिएटर के लिए मूवी बनाते हैं, बीच में उनको एड्स भी करने होते हैं, रियलिटी शो भी करने होते हैं। इतना भाई वो बंदा इतना बिजी इंसान है ना, हमको देखने को मिलता है रियल लाइफ में अक्षय कुमार क्या लाइफ जी रहे, वही चीज हमको मूवी के अंदर दिखाई जाती है। अब वहां पर अक्षय कुमार के जिस तरीके से यहां पर रियलिटी में फैन होते ना, वहां पर एक और फैन होता है इमरान हाशमी और उनका लड़का। अब वो दोनों किस तरीके से एक सेल्फी के लिए कितना वो भाई भड़कते हैं, उसके बाद वो सेल्फी नहीं ले पाते, बाद में किस तरीके से दुश्मनी होती है, किस तरीके से भाई अपने बोलते ना तकब्बुर जिसको बोलते हैं अपनी इज्जत पे बात आती है, फिर दोनों किस तरीके से एक फैन वॉर होता है, सेलिब्रिटी वर्सेस फैन, ये सब हमको मूवी में देखने को मिलता है। इस बीच हमको इमोशंस भी देखने को मिलते हैं, कॉमेडी देखने को मिलती है, हर एक चीज देखने को मिलती है। बट मैं ऑनेस्टली मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई देखो यहां पर इमरान हाशमी ने ना, इमरान हाशमी ने भाई अक्षय कुमार से बेहतर काम करके दिया है इन दिस मूवी, नंबर वन पहली चीज। दूसरी चीज ये, अक्षय कुमार को मैं जब भी देखता हूं ना यार, उनको मैं ऐसा लगता है कि भाई मैं रिपीट मोड पे देख रहा हूं यार, ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूं रिपीट मोड पे देख रहा हूं, बिकॉज वही घिसे पिटे एक्सप्रेशन जो कि हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, घिसी-पिटी एक्टिंग जो कि हम इतने सालों से देखते आ रहे, तो मेरे को इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है अक्षय कुमार को देख के, बिकॉज यार हर 3-4 महीने में बंदा आ जाता है, फिर वो यार मजा नहीं आता उसको देख के यार, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मूवी के अंदर मेरे को कोई एक अच्छी चीज निकालनी हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं, पहली बात तो यार रीमेक है तो भूल जाओ के बहुत अच्छा स्टोरी होगा, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो डायलॉग्स भी इतने कुछ इंगेजिंग नहीं लगे, और तीसरी चीज अगर हम गाने की बात करें, गाने भी इनको रीमेक करने पड़ रहे, तो ये सब मुझे कुछ इतना कुछ खास लगा नहीं, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, ठीक है। स्टोरी भी कितनी कुछ खास नहीं है कि हम बोल सके यार ये होता है मूवी। आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठा के देखो, आप एडवांस बुकिंग कलेक्शन उठा के देखो, वो भाई ऑडियंस ने पूरी तरीके से पहले दिन ही उस मूवी को फ्लॉप करवा दिया, क्योंकि ऑडियंस के अंदर कोई एक्साइटमेंट इस मूवी को लेके दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए तो भाई देखो ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ, एक चीज मेरे को प्यारी लगी वो है सिनेमाटोग्राफी, बाकी इसका मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, ना मेरे को गाने इतने इंटरेस्टिंग लगे, ना मेरे को डायलॉग्स इतने इंटरेस्टिंग लगे, ना अक्षय कुमार का काम इतना इंटरेस्टिंग लगा। हाँ इमरान हाशमी का काम मेरे को अच्छा लगा है, सिनेमाटोग्राफी थोड़ी सी प्यारी है, बाकी थोड़ी बहुत कॉमेडी अच्छी है, बाकी मेरे को इतना कुछ खास में इतना मेरे को मजा आया नहीं ये मूवी के अंदर, ठीक है। अब मैं आता हूं मेरे पॉइंट के ऊपर। अब देखो अक्षय कुमार के साथ क्या होता है ना, अब इनकी मूवीज उठा के देखो, बच्चन पांडे उठा के देखो, पृथ्वीराज उठा के देखो, उसके बाद एक और मूवी आया था रक्षाबंधन उठा के देखो, राम सेतु उठा के देखो, बंदे ने 4-5 मूवी फ्लॉप दी है, 4-5 मूवी, और हर बार मूवी फ्लॉप होने के बाद बंदा एक ही बात बोलता है कि भाई मेरे को है ना स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये जो भी मूवी फ्लॉप हो रही है ना उसमें गलती मेरी है, बट फिर भी यार हर मूवी के बाद ये बंदा आके बोलता भी है, और भाई उसके बाद एक और 2-3 रीमेक साइन कर भी देता है। मतलब यार ये बंदे को, ये बंदा बोलता भी कि मूवी मेरी वजह से फ्लॉप हो रही है, मेरे को स्क्रिप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, बट फिर भी बोलने के बावजूद ये बंदे को सिर्फ रीमेक ही करना है या फिर घिसे पीटे कंटेंट ही लाने है। तो यार ये देखो ये अभी एक और सेल्फी भी फ्लॉप हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ यार, यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई यार, देखो इमरान हाशमी का करियर अब थोड़ा सा डाउनफॉल में गया है ना, वो भी अक्षय कुमार की वजह से गया है, अब अप आएगा टाइगर थ्री की वजह से, सलमान खान की वजह से। एक अक्षय कुमार है जो लोगों के करियर बर्बाद करता है, एक सलमान खान जो कि लोगों के करियर उड़ा मतलब उठा देता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी यार टाइगर थ्री कैसे चलते जब इमरान हाशमी उसमें आता है, बट उसको साइड पर रखो, वो बात की बात है। सेल्फी मेरे लिए एक टोटली यार डिसअपॉइंटमेंट था, टोटली बकवास मूवी लगा मेरे को। स्टोरी की अगर मैं बात करें, स्टोरी का क्रेडिट मैं इसको दूंगा नहीं, बिकॉज यार रीमेक का जो भाई क्रेडिट जाना चाहिए स्टोरी के, इसको ओरिजिनल वर्जन को जाना चाहिए जो कि भाई जिस मूवी का ये रीमेक है, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए। यहाँ पर स्टोरी आपकी कॉपी है, आपके गाने आप रीमेक कर रहे हो, एक्टिंग की बात करें एक्टिंग में इतना कुछ खास मजा आ नहीं रहा है, डायलॉग्स इतने अच्छे नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत तो कॉमेडी अच्छी है, इमोशनली थोड़ा सा एंगल डाला गया है, बट फिर भी वो कुछ 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 हमको यार बहुत जगह देखा हुआ फील होता है, चाहे वो शाहरुख खान की फैन हो, चाहे वो और 2-3 मूवीज का आपको लगेगा, नथिंग न्यू यार, नथिंग न्यू। हर एक चीज हर एक फ्रेम कहीं ना कहीं से मिलती जुलती नजर आती है कि यहां से उठा के बना के हमारे सामने रख दिया गया, ऐसा फील आता है। बाकी मेरे लिए तो एक डिसअपॉइंटमेंट था सेल्फी नाम का मूवी। आपको ये कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी ओडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।